राजस्थान की राजनीति का ऊंट इस बार किस और करवट लेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की हॉट सीट शिव विधानसभा में इन दिनों राजनीति बेहद ही दिलचस्प हो गई है, जहां चुनाव 5 उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाएगा। ऐसे में सभी दल यह प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और समाज का समर्थन हासिल किया जाए। ऐसे ही कुछ समय पहले शिव विधानसभा सीट से SC/ST समाज द्वारा अपना समर्थन शिव विधायक और 10वीं बार कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन खान को देने की बात सामने आई। मगर इसके ठीक कुछ दिनों बाद ही कल शुक्रवार को शिव विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी सभा हुई, जहां पर SC/ST समाज के लोगों ने अपना समर्थन कांग्रेस से बागी हुए फतेह खान को दिया। और इस मौके पर SC/ST समाज के कुछ लोगों ने कहा कि पहले उन्हें गुमराह किया गया था, मगर अब वह अपना समर्थन कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे फतेह खान को देते हैं। मीटिंग आज वो SC/ST वालों के लिए परसों कांग्रेस वालों ने बुलाया था कि हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मेघवाल वालों ने, अब मेघवाल समाज और SC समाज भीलों ने आज पुणे मीटिंग की है कि हम फतेह खान को समर्थन दे रहे हैं। इस संबंध में मीटिंग हुई है। मीटिंग उस दिन भी समाज की थी, आज समाज की थी क्या? उस समय लोगों को गुमराह किया गया था, उस दिन गुमराह किया गया था कि आज समाज की मीटिंग है, ये पता नहीं था कि अमीन खान जी के पक्ष में मीटिंग है। अच्छा, गुमराह करके लाया? गुमराह करके लाया गया। आज जो मीटिंग है ये समाज की जो सही मीटिंग है? हाँ, ये आज की पूरी समाज की सही मीटिंग है। SC/ST की आज की तरह मीटिंग की है? मीडिया समाज के लिए की, समाज दो दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें थोड़े गड़बड़ हुई थी। कांग्रेस प्रयोजित उत्साह अमीन साहब के हिसाब से बोल रहे थे। आज पूरा समाज आज एक भी ज्यादा? हाँ, आज समाज एक पूरी साथ ही आज है। समाज की फैसला ली है? समाज फैसला ले रही है फतेह खान के दीदा की। समाज के लिए एक फतेह खान को साथ में, पहले हम सब साथ मिलके फतेह खान को और उदाराम जी को समर्थन दे रही है। SC/ST वाले उस दिन तो गुमराह के समाज की इधर आए तो अमीन खान की, तब वापस चले गई। आज जो मीटिंग है वो SC/ST की है, हम उदाराम जी के साथ है समाज पूरी, और फतेह खान को हमने समर्थन दिया है। हाँ, आज हजारों लोग इकट्ठे हुए। धन्यवाद सर।